किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एकता दौड़ को झंडी दिखा करके रवाना किया। आपको बता दें कि सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है, लेकिन 31 अक्टूबर को दीपावली के कारण आज ही आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि दुनिया में भारत मजबूती के साथ खड़ा है, एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प बन चुकी है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान, दुनिया में भारत मजबूती के साथ खड़ा है, भारत की एकता को एकता दौड़ से मजबूत करें, विकसित भारत का संकल्प बन चुकी एकता दौड़। पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में, जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है।